सो बेसिकली मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा एक चीज़ को लेकर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आप सभी को तो पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सो उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आज मैं बता देता हूँ। लाइट थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो मतलब कि क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मान के चलिए कि आपका ब्रेन, ओके, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक ब्रेन होता है, उसको आप लोग माइक्रो प्रोसेसर के तरह भी आप लोग उसको समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको भी आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रेन समझ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, या फिर इसको आप लोग होस्ट भी कर सकते हैं, जो कि बोलता है उसको एक वेब सर्वर पर, मतलब कि एक डेडिकेटेड एक वेब सर्वर पर आप लोग उसको होस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि मतलब कि सीपीयू वगैरह या फिर प्रोसेसिंग पावर थोड़ा सा हाई हो उसका। सो क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप लोग इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो द मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज फॉर टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि हम लोग जो लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में शायद में सुना भी होगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स पहले से ही लिखा हुआ रहता है। सो क्या होता है कि हम लोग को जस्ट इसको इम्पोर्ट करना होता है, एंड हम लोग इससे छोटा छोटा भी हो सकते हैं, परंतु हम लोग इससे एक AI को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली AI क्या करते हैं, उसका पास भी हम लोग ऐसे कंप्यूटिंग करते हैं कि उसका पास भी हमारे जैसे एक दिमाग हो जाता है, जिससे कि वो लोग भी हमारे जैसा थोड़ा बहुत थिंकिंग कर सकते हैं और खुद से डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि मान के चले कि उसके पास प्रीलोडेड ही पहले से बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग है, जिसको कि ये लोग बहुत ही तेज़ इसको कैलकुलेट करके वो लोग हमें एक डेडिकेटेड कोई एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अभी हमारा फ़ोन, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप अरे सीरी, इसके बाद अगर अमेजोन का अगर आप लोग कोई AI यूज़ कर रहे हैं जैसे कि एलेक्सा तो वहाँ पर है एलेक्सा, या फिर गूगल का अगर आप लोग कोई यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर है ओके गूगल। सो इसी तरीके से ऐसा भी क्या है कि एक AI है और उसके पास खुद का ही एक मतलब कि उसके पास खुद का सोचने का थोड़ा बहुत पावर है, मतलब कि हम लोगों ने क्या इसको दिया है उतना वो ये सोच सकता है, एंड हम लोग इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सब कुछ होता है कोडिंग के मदद से। इसको लेकर एक ब्रीफ वीडियो में जल्दी बनाने का कोशिश करूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। सो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। सो आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।